तभी हदीस के जुमले हैं, रसूल खुदा मिंबर पर जाते हैं और जाने के बाद लोगों को कहते हैं सदका दो सदका दो। सारी उम्मत सदका देती थी, पैसे का सदका, सिक्कों का सदका, दिरहम का सदका, बकरे का सदका, भैंस का सदका, यही सदके जो आजकल दिए जा रहे हैं। लेकिन हदीस बड़ी नहीं थी, पर मैं सदका दो सदका दो। और आगे कहा कि जबान का सदका दो, दिलों का सदका दो। ताज्जुब से कहा फसल लिया रसूल अल्लाह, तफसीर करिए, आप कहना क्या चाहते हैं, दिलों का सदका क्या होता है, जबानों का सदका क्या होता है? तो नबी ने फरमाया दिल का सदका है मेरी आल से मोहब्बत करना, दिल का सदका है मेरी आल से इश्क करना, मेरी आल से मोहब्बत करना। तो मुहर्रम के महीने में हम दिलों का सदका देते हैं, आल रसूल की मोहब्बत में अश्क बहाकर आंखों का सदका देते हैं, कुलूब का सदका देते हैं। या रसूल अल्लाह दिल का सदका, का दिल का सदका यह है कि मेरी आल से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, अली के बच्चों से मोहब्बत करो, दिल का सदका दो, फातिमा से मोहब्बत करो, फातिमा के लाल से मोहब्बत करो। कहा या रसूल अल्लाह जबान का सदका क्या है? कहा अगर जबान का सदका निकालना चाहते हो तो मुझ मोहम्मद पर और मेरी आल पर सलवात भेजा करो, सलवात।